एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन मीम्स, ट्रेंडिंग मीम्स, वाह क्या सीन है। मीम्स आर फ्रॉम द चैनल मीम एक्स्टर, यही है आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मीम एक्स्टर, यस सही बोला मैंने। ओके, तो आज हम इनके चैनल पे आए हैं। आई गेस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी हैव बीन हियर ऑन हिज चैनल। सो लेट्स सी हाउ दिस मीम फ्रॉम द चैनल मीम एक्स्टर इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। आपने कह दिया गुटखा खाने वाले लोग दो कौड़ी के होते हैं, शराब पीने वाले लोग दो कौड़ी के होते हैं, तो आपके हिसाब से महान होते हैं। सही तो बोला और नहीं बोला। अगर कोई शराब पीता है तो आपके हिसाब से उसको समाज में जीने का हक नहीं है? नहीं, हमने कब कहा कि मार दो उसे? तू मेरे बच्चों के बाप हो तुम देखने। इसके बाद हमने शादी की ना, तो उसके घर वाले नहीं रहे तो ज्यादा मेरे घर वाले रोए। मतलब पता है इसीलिए रोए क्योंकि यार हमारा हीरे जैसा बच्चा लेके चली गई। हीरे नहीं, कीड़े जैसा कह रहे हो। कभी ऐसा कोई फैन को खत आया हो कुछ? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ उसको क्या आपको एंट्री नहीं मिलेगी? अब देख तू, होता है अस्पतालों में कुछ ऐसे वार्ड्स होते हैं जहाँ कुछ ही लोग जा सकते हैं। आपको पता है हर बात के दो मतलब होते हैं? कोई आपको ऐसी बात पता है जिसके दो मतलब होते हो? एक जान ले लो मेरी और दूसरा जान ले लो ना मेरी। क्या बोला तूने? जान ले लो ना मेरी। शाबाश, सही बताया। तू समझा? तू समझा नहीं? ले लूं? नहीं भाई, समझ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। अगर हम दोनों अकेले रूम में और चाबी खो जाती है तो हम क्या करेंगे? फिर मैं अपने चाबी से तुम्हारा ताला खोल दूंगा। नहीं खुलेगा। प्रणाम, दिल से स्वीकारो महाराज, दिल से। इतने मत झुको, कोई मार के चले जाओगे। मत करो ओए। बजाएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चांद पे था। हाँ भाई सोहम, तू क्या बता रहा था? यहाँ पे क्या है ये वाले गाड़ी में? इस 5 सीरीज के पास जेस्चर कंट्रोल है। ऐसे किया वॉल्यूम बढ़ता है। ओ भाई, ऐसे किया म्यूट अनम्यूट, ऐसे ऐसे किया था। ऐसे आदत से मजबूर। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ अर्जित। अच्छा, तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करना इज इम्पोर्टेंट। 5,000 पिचकर का ऑर्डर दे दिया, अभी क्या करोगे? उल्टा खाओ। तू समझा? क्रिकेट देखते हो आप लोग? जी हाँ। क्रिकेट में आपके बेस्ट ओपनर कौन है? जेसी बी जयसवाल। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि तू मना करेगी जितना, अच्छा मैं उतना बजाऊंगा। कि तू रोती रहेगी और मैं मजे लेते जाऊंगा। कि धीरे धीरे बजा, तेरे ये शब्द सुनकर मैं खुद को ना रोक पाऊंगा। कि ये मेरा डीजे है जाने मन, मेरा जितना मर्जी मैं उतना बजाऊंगा। मेरे को डीजे तो समझ रहा हूँ। इनमें अंतर बताओ। कॉल गर्ल, गर्लफ्रेंड और बीवी। प्रीपेड, पोस्टपेड, अनलिमिटेड। चलो भाई। डेढ़ सौ रस्ते का माल सस्ते में। दिखाना छोटू मैडम को। 36 की बरादी है मैडम, 32 की बरादी मैडम को। और छोटी, और छोटी 28, छोटू 28 की निकाल। और छोटी तो आप ना बैंडेज लगाओ, आपको सिंपल हुआ। और क्या छोटा, रशियंस एक दिन का कितना लेती है? 6,000। और तुमसे? 6,000 ही। एक मिनट का भी सेम रेट? हाँ। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। समझा। तू चश्मे के बिना बहुत अच्छी लगती है यार। लेकिन
पहनता हूँ। Hey, y'all, come look at this. सुनो, अगर मैं तुम्हें I love you बोलूँ तो तुम वापस बोलोगे? वापस? मैंने क्वेश्चन पूछो। या या या। मोहब्बत और नशे में क्या अंतर होता है? अरे मम्मी बहुत सिंपल सा फर्क है। क्या? नशा ज्यादा हो जाए तो लड़का उल्टी करता है और मोहब्बत ज्यादा हो जाए तो लड़की उल्टी करती है। देखा हुआ यार ये, देखा हुआ ना। और भाई शादी हो गया तो भूलिए साले। नहीं यार, थोड़ा सा जिम में स्टार्ट किया हूँ ना, तो वर्कआउट की वजह से टाइम नहीं मिल पा। सही है यार तेरा, सुबह ऐसा रात को ऐसा। मैंने तो 20,000 रुपए दिए थे, तूने उसका क्या किया? अरे IPL कर रहा था तो मैंने 20,000 के 20 लाख हो गए। अरे वाह, 20,000 के 20 लाख हो गए, कर्जा भाई। भाई आप बताइए, सोना जलता है कि नहीं? हाँ लेकिन तो लोग भी जल जाते ना महाराज जी, अगर पूरी लंका सोने की थी, पूरा लंका जल के तो आदमी भी जल जाते। नहीं नहीं, क्या मैदान नहीं था, क्या पार्क नहीं था वहाँ पे? बड़े बड़े मैदान, कंस ने जो लंका बनाई, कंस ने जो लंका बनाई। क्या खाया? अरे अरे, तुम बाथरूम का चीज करने गया था अभी? हिलाने गए थे। हिलाने गया था? हाँ। तो हिलाने के बाद कमजोरी मार देता है क्या? दवाई पीता है फिर तू? अरे डॉक्टर हमको बोला हिला के दवाई पीना। अरे वो पागल, हिला के दवाई पीने बोला था तुमको? नहीं, दवाई नीचे पड़ जाता है इसीलिए। वही सोचे दवाई फायदा का ही नहीं कर रहा है हमको। अरे भाई बता दिया तुम हमको, बात कर लो, चलो नाम डुबा दिया। और नहीं तो स्प्राइट भी हो गए। नहीं यार, मेरे मतलब कभी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो सुन को मिलते ही नहीं है। मैंने सिगरेट खरीदी, उस पर लिखा था कि सिगरेट नोशी मर्दाना कमजोरी का बाइस हो सकती है। अबे वो भागा भागा दुकानदार के पास गया, कहने लगा वो भाई ये कौन सी दे दी, कैंसर वाली दे। 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी ऊंचे नहीं आई। सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। अच्छा, राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। हम गुरु जी ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ओके, मीम एक्स्टर मीम बढ़िया थे, आई लव देम, फुल एंटरटेनिंग थे। हाँ सच्ची बोलूं तो मजेदार, मजा आ गया। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।